एक्साइज कमिश्नर જોગારામના માર્ગદર્શન હેઠળ ભુજેલાના ફોરલેન્ડમાં આવેલા પાવર હાઉસ પાછળ દારૂની દાણચોરી સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી, જેમાં આબકારી વિભાગ દ્વારા ગેરકાયદેસર દારૂ દાણચોરી સામે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી। સ્વરૂપગંજ નજીક ભુજેલાના ફોરલેન્ડમાં પાવર હાઉસ પાછળ 15 દારૂ ભરેલા વાહનો કબજે કર્યા હતા, તેમજ 11 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। કાર્યવાહી દરમિયાન કેટલાક આરોપીઓ ઘટનાસ્થળેથી છટકી જવામાં સફળ રહ્યા હતા। દારૂ ભરેલા વાહનો અને આરોપીઓને આપકારી પોલીસ સ્ટેશન આબુ રોડ લાવવામાં આવ્યા હતા। વાહનોમાંથી વિવિધ બ્રાન્ડની અંગ્રેજી શરાબના 1880 કાર્ટુન ઝડપાયા હતા। જપ્ત કરેલી દારૂની કિંમત આશરે 2 કરોડ રૂપિયા હોવાનું મનાય છે। પ્રાપ્ત વાહનોની કિંમત રૂપિયા 2 કરોડ અંદાજવામાં આવી છે। આપકારી વિભાગની મોટી કાર્યવાહીને કારણે દારૂના માફિયાએ હંગામો મચાવ્યો છે। આજ સુબહે આપકારી આયુક્ત મહોદય ડોક્ટર જોગારામજી કે નિર્દેશન મે અલગ અલગ જિલ્લો સે ઓફિસર્સ કો બુલાકર એક કલેક્ટિવ ટીમ બનાઈ ગઈ, જિસકે ઇન્ચાર્જ राणा प्रताप सिंह AEO रहे। उनके साथ 4 PO ऑफिसर्स और उनकी टीम थी। और मुखबिर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर स्वरूपगंज के पास गांव बारजा जोड़फली में एक लोकेशन थी जो डिटेक्ट की हुई थी। उस पर अल सुबह हमारी टीमों ने वहां पर दबिश दी और हरियाणा निर्मित शराब जो सेल इन पंजाब हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश होनी थी उसकी तस्करी पाई गई और नियमानुसार आबकारी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। अभी हमने पेटियों की प्राथमिक तौर पर काउंटिंग कर ली है और ये 1880 पेटियां हैं। कुल 11 लोगों को डिटेन किया है। अभी और भी जांच चल रही है, उसमें जो भी इसमें संबंधित होंगे उन पर भी आबकारी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कुल 11 वाहन हैं जिसमें 2 आइसर गाड़ियाँ हैं, 15 वाहन हैं जिसमें से 2 आइसर गाड़ियाँ हैं, 4 पिकअप है और 9 लग्जरी वाहन्स हैं जिनमें ये अवैध शराब पाई गई थी। उन सबको भी हमने यहाँ डिटेन करके रखा है। नियमानुसार हम आगे की कार्रवाई और करेंगे। 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी हमारी इसी तरह रेकी चलती रहेगी और जो भी अवैध शराब में लिप्त लोग होंगे उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी कार्रवाई चल रही है, हमने इसका आकलन नहीं किया है। जैसा भी होगा हम आगे आपको इस बारे में अवगत कराएंगे। ये जो कारोबार है ये सिर्फ और सिर्फ आज या कल में या तो शुरू नहीं हुआ, ये लंबे समय से कारोबार चल रहा है और मीडिया में इसकी खबरें भी हमने बार बार इसको चलाई है, लेकिन सिर्फ आबकारी विभाग द्वारा इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना क्या संकेत है? बिल्कुल, इस कार्रवाई को जो आज अंजाम दिया गया है उसके तहत हम यहाँ विभागीय अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की गई है उसकी भी समीक्षा करेंगे और अगर इसमें किसी भी अधिकारी की लापरवाही नज़र आती है तो बिल्कुल विभागीय हमारे जो मुखिया हैं कमिश्नर साहब उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु लिखा जाएगा। सर आपको नहीं लगता कि इसमें आबकारी विभाग सिरे के मिले भगत है जिसके वजह से ये कार्रवाई दिन दिन होता है? मैं आपसे पुनः फिर यही कह रहा हूँ कि इसकी जाँच की जाएगी। जाँच में अगर जाँच का विषय है, जाँच में अगर किसी की भी लापरवाही संलिप्तता पाई जाएगी तो बिल्कुल उसमें कठोर कार्रवाई के लिए श्रीमान आयुक्त महोदय को रिकमेंड किया जाएगा। वो मजदूर है या खुद? उसमें ऐसा है, जब सुबह दबिश दी गई थी तो कुछ लोग वहाँ से मौके से भाग भी गए थे। उनकी भी हम इन जो डिटेन किए गए हैं, एक दो मैकेनिक भी हैं, कुछ लेबर क्लास भी हैं, इनसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करके उन लोगों को भी जानकारी ली जाएगी कि वास्तविक रूप से कौन इनको डील करने वाले हैं, किन के निर्देशन में ये काम हो रहा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई ऑन रोड की गई है या किसी व्यक्ति प्लेस पे की गई है? किसी ये लोकेशन थी, लोकेशन को आइडेंटिफाई किया था, वहाँ पर दबिश देकर कार्रवाई की। लोकेशन मतलब क्या जगह थी? घर था, एक बड़ा सा था, बाउंड्री वॉल थी, उसमें कार्रवाई की गई। किस जगह की घटना है? ये बारजा गांव है स्वरूपगंज के पास, वहाँ पे कार्रवाई की। गांव के अंदर बारजा गांव से हाईवे से लगा हुआ जगह थी, और जो हाईवे है चलता है उसके पास से लगता हुआ लोकेशन थी, वहाँ पे कार्रवाई की। अभी जानकारी नहीं मिली है, हमारी टीमें और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको हमने यही निर्देश दिए। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इसलिए आया हूँ कि मुख्य जो कल्प्रिट है उसकी पहचान की जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके ताकि प्रभावी रूप से इस पर अंकुश लगाया जा सके। अभी मैं यही कह रहा हूँ कि जांच का विषय, जांच के बाद सारी चीज़ें निकल के आएगी।
कितने टाइम से हो रहा था ये सब जांच के विषय, जांच में ही पता चल पाएगा।